और बस से भी हम नहीं सफर कर सकते हैं समय पे, और उड़ने वाले तो फ्लाइट से उड़ रहे हैं और मोदी जी के बुलेट ट्रेन से चलने वाले होंगे थोड़े दिन के बाद। तो हम अब सड़क को सुनी नहीं होने देंगे, और सांसद अगर आवारा होगा तो उसको हम सही रास्ते पर भी लाएंगे। बिहार की युवा क्रांतिकारी युवा होता है, उसको हर सुविधा से वंचित रखो, नहीं तो कभी भी देश की सत्ता से हमें उखाड़ फेंकेगा। दलितों का, गरीबों का हक मारने का सबसे अच्छा कारण है प्राइवेटकरण कर दो। दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला बना इस सरकार में। इस बार बिहार की जनता आपको नहीं देगी मौका। लगा लीजिए जितना जोर लगाना है, कर लीजिए जितना हिंदू मुस्लिम करना है, कर लीजिए जितना आपको जुमले पे बात करनी है। 24 में हम जवाब लेंगे आपसे, और देंगे नोटा पे वोट दे के या आपको हरा के। मेरा नाम चंदन कुमार ठाकुर है और भारतीय छात्र युवा एकता मंच के हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे संगठन बिहार से आई है। अभी हमारा संगठन पूरे देश में चलता है और आंदोलन करती है। इस समय जो हम आए हैं तो बिहार का एक जिला है शिवहर जिला, जो वर्ष 1994 में शिवहर जिला का नाम दिया गया, नामकरण किया गया और राज्य में एक नया जिला का निर्माण हुआ जिसका नाम शिवहर पड़ा। उस समय लालू प्रसाद यादव जी की कृपा से शिवहर एक जिला बना था, और वो जिला जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने तो शिवहर को रेलखंड से जोड़ने का एक योजना बनाई, जो सीतामढ़ी भाया शिवहर होते हुए मोतिहारी की जोड़ती थी। जब सरकार गई तो 1994 के बाद आज तक शिवहर को रेल नहीं मिल पाया है, और वहाँ से सांसद जो हमारी हैं सो अभी लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर बैठी है और गरजती है और बोलती है, और हमारा जिला 8 करोड़ 8 लाख शिवहर की जनता आज भी बसों से चलने में सफर में मजबूर कर रही है, और शिवहर आज भी रेल खंड से नहीं जुड़ पाया है। नेता तो जहाज से आ रहे हैं सर। नेता जहाज से आ रहे हैं ना, लेकिन 8 करोड़ जनता तो बस से गुजर कर रही है। और बस की बात बता दूं, शिवहर जिला में एक बस स्टैंड नहीं है सरकारी। वहां सड़क के किनारे बस लगते हैं, जाम होते हैं, लेकिन एक बस स्टैंड नहीं है, और बस से भी हम नहीं सफर कर सकते हैं समय पे, और उड़ने वाले तो फ्लाइट से उड़ रहे हैं और मोदी जी के बुलेट ट्रेन से चलने वाले होंगे थोड़े दिन के बाद। जनता तो परेशान है, पर उन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा जो आपकी जो सांसद जिनको आप जिताए। इसीलिए जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए हम छात्रों ने अब मन में ठाना है, हमारी संगठन भारतीय छात्र युवा एकता मंच यह ठाना है कि अगर सरकार अगर नहीं मानती है, राम मनोहर लोहिया जी बोले थे, अगर संसद बहरा हो जाए तो सड़क सुनी हो जाएगी ना, तो सांसद आवारा हो जाएगा। तो हम अब सड़क को सुनी नहीं होने देंगे, और सांसद अगर आवारा होगा तो उसको हम सही रास्ते पर भी लाएंगे। चाहे वो आप देख लीजिए देश की आज़ादी से लेकर के जितने आंदोलन हुए, या बिहार में सबसे बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद हुआ था जेपी आंदोलन, उस आंदोलन में भी छात्रों ने मूवमेंट करके और सरकार को बदलने का कार्य किया था। यही कार्य हम लोग करेंगे। कितने टाइम से लंबित है आपका मामला? ये मामला 1994 के बाद से लंबित है। लालू जी की सरकार थी तो उन्होंने अनुमोदन भी किया था। जब वो रेल मंत्री बने थे तो इसकी पास भी हुई थी, टेंडर भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद आज तक नहीं हो पाया। और यह केंद्र के मामला है, राज्य सरकार का मामला नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बिहार में लगातार 12-13 साल NDA की सरकार चली है, गठबंधन की सरकार चली NDA की, जिसमें मोदी जी ऊपर थे और नीचे उनकी पार्टी थी और नीतीश कुमार थे, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। तो हम ना तो राज्य सरकार की दोष देंगे ना केंद्र सरकार की, इनकी मनसा ही नहीं है जो शिवहर के लोग रेल पे चले और शिवहर की जनता विकास कर सके। शिवहर से कितनी दूरी पर है बाकी की रेलवे से? शिवहर से 3 जिला मिलती है, एक मोतिहारी, एक सीतामढ़ी और एक मुजफ्फरपुर, सभी 100 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की रेंज में है सभी का जिला। मोदी गवर्नमेंट नहीं, तो हम तो ये भी नहीं मान सकते ना नीतीश कुमार है, चूंकि आज से 4 महीना पहले नीतीश कुमार तो NDA के साथ थी, मोदी जी के साथ थी। इससे पहले जब 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी NDA के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वाजपेयी जी का समर्थन था। तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं जो मोदी जी के खिलाफ हैं इसलिए नहीं रेल दे रही है। ये रेल नहीं दे रही है, इसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, जो बिहार की जनता बिहार की युवा क्रांतिकारी युवा होता है, उसको हर सुविधा से वंचित रखो, नहीं तो कभी भी देश की सत्ता से हमें उखाड़ फेंकेगा। यही उसका उद्देश्य हो सकता है। क्रांति तो आप सर इतना दम तो होता तो अब तक हो चुका होगा? नहीं, क्रांति तो अब निकल चुकी है, क्रांति तो अब निकल चुकी है, तो समय समय पर होता और हमेशा क्रांति होगा, और क्रांति हर समय हुआ है।
अगर 74 की बात करें, 1974 में क्रांति युवा ने किया था और पूरे देश वह क्रांति देखा था जिसे जेपी मूवमेंट कहा गया था, और सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका बताया और इमरजेंसी वही क्रांति के कारण ही लगा था, इसलिए क्रांति तो अब भी होगा। लेकिन हम जिस धरती से आते हैं वह दिनकर की धरती है, वो धरती चाणक्य की है, वो धरती आर्यभट्ट की है, इसलिए हम लोग शांति से भी लड़ना चाहते हैं और प्रदर्शन करके भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारी मांग है तो मांग तो हम पहले शांति प्रिय तरीके से न मांगेंगे, मांग तो उग्रता से नहीं मांगी जाती है। हमारी कोई सुविधा चाहिए तो सुविधा तो हम अपनी सरकार से मांगेंगे जिस सरकार को हमने चुन करके वहां बैठाया है। इसलिए हमारी मांग है अगर 2023 तक ये अब सत्र चलने, बजट सत्र चलने वाला है, अगर बजट सत्र में हमारा रेल का मुद्दा वहाँ की टेंडर नहीं हुई तो पहला चीज तो आप समझ लीजिए जो बिहार में बीजेपी की एक भी रैली नहीं होने देंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है। दूसरा चीज, हम लोग डमी रेल बना करके पूरे शिवहर घूम करके और दिल्ली, बिहार से लेकर के दिल्ली तक हम लोग उस रेल को लेकर के पैदल आएंगे और रेल मंत्री के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और तब तक रहेंगे जब तक रेल का हमारा निराकरण नहीं। जवाब तो देना होगा। मेरा नाम कुमार रूपेश है और मैं इस पार्टी, इस संगठन का जो है हमारा, उसका हम राष्ट्रीय महासचिव है। पर जिस तरीके से प्राइवेटीकरण बढ़ता जा रहा है, सब कुछ प्राइवेट और निजीकरण होता जा रहा है, क्या लगता है आपको कि मांग पूरी हो पाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही आपने एक ऐसे अहम मुद्दे को छेड़ दिया इस आंदोलन के साथ कि ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा हो गया है कि प्राइवेटकरण करने के पीछे कारण क्या है। प्राइवेटकरण करने के पीछे बहुत ही सिंपल कारण है कि ऐसे आप SC और ST का जो आरक्षण है, आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे SC और ST का आप आरक्षण नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेटकरण कर देंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। दलितों का, गरीबों का हक मारने का सबसे अच्छा कारण है प्राइवेटकरण कर दो किसी चीज़ को और बेरोजगारी को बढ़ा दो, जनता के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दो कि जनता लगे अरे बहुत बड़े प्राइवेट, सरकारी लोग काम करते नहीं हैं और प्राइवेट में ही अच्छा काम होता है। अगर प्राइवेट में अच्छा काम होता, प्राइवेट में अच्छा काम होता, फिर प्राइवेट कंपनी दिवालिया क्यों होती, प्राइवेट कंपनी बंद क्यों करती? अगर प्राइवेट कंपनी अगर अच्छा काम करती तो प्राइवेट कंपनी की स्थिति ऐसी, देश की आज खराब स्थिति जो देश का अर्थव्यवस्था डूबा है उसे सबसे बड़ा एकदम प्राइवेट लोगों का है। आज लेफ्ट क्यों किया, 9 लाख करोड़ जो लेफ्ट करना पड़ा सरकार को, किसका लेफ्ट किए हैं? सरकार की कंपनी का लेफ्ट तो नहीं हुआ, लेफ्ट हुआ है प्राइवेट कंपनी का लेफ्ट हुआ है। वो लेफ्ट करने वाले, जिसका लेफ्ट हुआ, लेफ्ट करने वाले लोग कौन है? वो है हमारे अडानी भाई साहब, जिनका 9 लाख करोड़ रुपया लेफ्ट किया गया है। वो पैसा किसका था? आपका, हमारा और इस भारत के उस गरीब जनता का, जो एक टाइम खाता है दूसरे टाइम के सोचता है कि कैसे दूसरे टाइम खाएंगे, उसका पैसा लेफ्ट किया गया, उसके लिए प्राइवेटकरण की जा रही है। तो रेलवे अगर प्राइवेट हो जाए तो उसमें और अच्छी बात है। 4 साल से 18 के बाद से सिर्फ घोषणा हुई कि डी ग्रुप की नौकरी होगी, एग्जाम के पेपर भी निकाला गया, पर क्या डी ग्रुप की नौकरी के लिए कोई बात हुई? एग्जाम हुआ तो सरकार सिर्फ घोषणा करना आती है, फॉर्म भरवा के 500 रुपये का, 1000 रुपये का जनता से पैसा वसूलती है, तो उस एग्जाम को रिजेक्ट करके अपने खजाने पैसा भर के और मजे से कहती है कि भैया हम तो हवाई जहाज से बुरेंगे और तुम जमीन पर चलो। क्या कहते मोदी जी कि चप्पल पहनने वाला भी जहाज से उड़ेगा, और आज क्या कर दिया कि चप्पल पहनने वाला बेचारा जमीन पर नहीं चल पा रहा है, जहाज से तो क्या कपाल उड़ेगा, जहाज से कपाल उड़ेगा, ट्रेन चलने को कहा नहीं छोड़ा, ट्रेन में चढ़ने की नहीं छोड़ा। जो टिकट हम एक टाइम पे 800-700 का SC का लेते थे आम आदमी के तरह से, लालू जी ने जन गरीब अर्थ बनाया कि गरीब का बेटा, गरीब को माँ का बेटा एसी में भी चलेगा, उनको सम्मान दिलाने काम किया। उस आज गरीब रथ में चलने की औकात है किसी की? कर दिया खा रहा वैसा, बड़ा मुश्किल से जीवन गुजार रहा है लोग, और मोदी जी कहते कि चप्पल पहनने वाला ऐसी हवाई जहाज चलेगा और चप्पल पहनने वाले को घर में घसे दिए और कहते कि हमने लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकाले हैं, हमने गरीबी से बाहर निकाले हैं, 80 करोड़ लोगों को गरीबी का खाना खिला रहे हैं। कौन सा जुमला फेंक रहे भाई? संसद भवन के अंदर खड़ा होकर झूठ बोल के कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। खाना खिला रहे हैं कि हम लोग टंकी कर रहे हैं देश के अंदर, हैं 80 करोड़ लोगों को आपने भूखा मार दिया और कह रहे कि खाना खिलाए हैं। अभी सदन में सत्र में क्या बोला गया है कि दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला बना इस सरकार में, खुद सरकार ने स्वीकार किया है और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं चला रही है। क्यों? क्योंकि चलाएगी तो पप्पा जी वहां से फोन करेंगे, बेटा जी आपका नौकरी चला गया, इसलिए पप्पा जी के फोन के डर से मेन स्ट्रीम मीडिया कहां पे अटकी हुई है? तो हिंदू मुस्लिम चाइना, हिंदू मुस्लिम चाइना। पर चाइना पे भी सवाल तो कर लो भैया, चाइना पे भी सवाल नहीं करोगे, रेल पे सवाल नहीं करोगे, रोजगार पे सवाल नहीं करोगे,
टेल पे सवाल नहीं करोगे, वेल पे सवाल नहीं करोगे, अडानी पे सवाल नहीं करोगे, अंबानी पे सवाल नहीं करोगे, सवाल किस पे करोगे तो हिंदू और मुसलमान पे सवाल करोगे, देश को गुमराह करने के लिए धर्म पे सवाल करोगे। आप आज और हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश के युवा, हमारे भाई मित्र क्या यहाँ करने आए हैं, यहाँ हमारी कोई मांग है, ये हमारी कोई मांग है सरकार की नजर के लिए? सरकार के बात छोटा सा काम है, ये बहुत छोटा सा काम है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को, अगर आपकी औकात नहीं है, अगर आपकी औकात नहीं है तो बोल दीजिए बिहार की जनता को, हम औकात वाले लोग हैं, हम रेल की लाइन बिछा के भी दिखा देंगे, रेल चढ़ा के भी दिखा देंगे और आपको उसमें बैठा के घुमा के भी दिखा देंगे। आप खाली कह दीजिए कि प्रधानमंत्री की औकात नहीं है। कैसे करेंगे आप लोग सर? एक बार महाशय, एक बार मोदी जी कहकर दिखा दे, चंदा चुटकी से यहाँ आए हैं ना तो चंदा चुटकी से रेल का पटरी बिछा देंगे, चंदा चुटकी से उनका पेट भरे ना, पीएम केयर फंड का ही पैसा लिए थे कोरोना काल में, याद हो तो होगा सभी लोगों को। जवाब नहीं दे रहे हैं उसका, सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, सामने से जवाब दे रहे हैं, RTI के माध्यम से खत्म कर दिए, और उनके पास जब पैसा लेने का तरीका है और जवाब देने का तरीका नहीं है तो जनता के पास जवाब देने का भी तरीका, जवाब लेने का तरीका है। 24 में हम जवाब लेंगे आपसे और देंगे नोटा पे वोट दे के या आपको हरा के, दो विकल्प हमारे पास, दोनों ऑप्शन खुला हुआ है, नोटा या जिताएंगे किसी और को वोटा। आपको नहीं देंगे मौका, इस बार बिहार की जनता आपको नहीं देगी मौका। लगा लीजिए जितना जोर लगाना है, कर लीजिए जितना हिंदू मुस्लिम करना है, कर लीजिए जितना आपको जुमले पे बात करनी है। अब आपको वो जो कहते ना कि 70,000 लोगे कि 80,000 लोगे कि 1,00,000 लोगे कि 1,10,000 कर लोगे, लो हम दिए, कहाँ गया 1,10,00,000 रुपया? किसके मुँह में दिए, किसके पेट में दिए, किसका पेट पालन किए? कौन था वो भाई, कौन सा रोड बनाया, कौन सा फ्लाईओवर बना, कौन सा यूनिवर्सिटी बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सा वही हॉस्पिटल बना, बताएं मुझे एक जगह दिखा दे मोदी जी अपने इस 8 साल के कार्यकाल में। NDA की सरकार रही हो चाहे खुद की निजी सरकार रही हो, 8 साल के कार्यकाल में गुजरात से लेके अब बिहार तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो शिलान्यास किया हो और उसको कम्प्लीट कर दिया हो, करके दिखाया हो मुझे एक, मैं चैलेंज करता हूँ, जहाँ कहेंगे वहाँ खड़ा होने को तैयार है। नोटबंदी में कहते ना कि चौराहे बुलाइए आएंगे, लगातार ट्वीट कर रहे हैं सर चौराहा तैयार है आ जाइए। मन की बातों में तो अच्छी अच्छी बातें करते सर, मन की बात तो बहुत अच्छा करते हैं, मन की बात तो इतना अच्छा करते हैं कि मन से आंखों से आंसू आ जाएगा जनता सुन के। हमर मोदी जी, कपिल शर्मा का शो देख लीजिए और मोदी जी का मन की बात देख लीजिए, ज्यादा अंतर नहीं है। कपिल शर्मा के शो में आपको एक अलग इंटरटेनमेंट मिलेगा, मोदी जी के मन की बात में एक अलग इंटरटेनमेंट मिलेगा। जो लोग गंभीर लोग हैं वो गंभीरता से उसको इग्नोर कर देते हैं, जो लोग शालीन लोग हैं उसे शालीनता से कहते हैं है बहुत सुने ली कान पक गए, अब मन के बात में सुना कान में ना ढेला डाल ले ली मन के, जो शालीनता वाले लोग हैं। आज जो उग्रेसिव लोग हैं कहते हमर मोदी जी कितने अच्छा मन के बात बोले, उसी मन की बात पे तो एक योजना चली थी, उसमें बेचारे पूर्ण पश्चिम वाजपेयी जी का इस्तीफा हो गया था, उसी मन की बात पे पोल खोल किए थे अपने पश्चिम वाजपेयी जी ने, उसी पे तो इस्तीफा हुआ था कि एक महिला का घर दिखाए थे, बेचारी झोपड़ी में आज भी रहती है, एक महिला को अनाज दिखाए थे, वो आज बेचारी अनाज के लिए वितरण कर रही है, मध्य प्रदेश का ही मामला है, राज्य सरकार उन्हीं का है। तो मन की बात में ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि कुर्सी पर बैठाया जाता है और बैठा कर था कि आप मोदी जी पूछेंगे ये बताइएगा, मोदी जी पूछेंगे ये बताइएगा, जैसे वो मीडिया में बैठे हैं कि हमको ये लिस्ट दीजिए, जो पूछिएगा वही हम बोलेंगे, जो हम कहेंगे वही आपको पूछना है। स्टेट से लोग आए हैं हमारे पास, राजस्थान से आए हैं, बिहार के अलग अलग जिला से आए हैं, कुछ लोग हरियाणा से अभी आ रहे हैं हमारे पता। सर एक बात अच्छा बात बताता हूँ, बात कहना रह गया था, हमारे पता इस योजना आंदोलन को लेके इतना प्रशासनिक दबाव बनाया गया कैसे ये आंदोलन खत्म हो जाए, रात को 11 बजे तक हमको बैठाया गया है, 11 बजे तक मुझे बैठाया गया है। कहाँ पर? थाना में, मैं तो दिल्ली थाना में जहाँ से लेते हैं, DSP साहब हमको बुला के बैठाए हैं क्योंकि हम ही योजना स्टार्टअप किए थे और हमारे संगठन के सहयोग से स्टार्टअप हुआ, सभी लोगों के सहयोग से, और मुझे 11 बजे रात में हम और ये हमारे मित्र गए हैं और DSP साहब वहाँ बैठा के सवाल जवाब कर रहे, जैसे हम एक आतंकवादी हैं, जैसे हम एक नक्सलवादी है, जैसे हम एक खालिस्तानी हैं, जैसे हम PTI उसका कौन सा एक संगठन जो बंद हुआ है उससे हम पैसा लेकर PFI उससे पैसा लेकर आए, पूछते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है सर, आपसे मांग रहे हैं मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया है, पढ़ाई कहाँ तक किए हो, कौन से कॉलेज से हो, कौन सा गांव है, कौन सा राजनीतिक दल है। हमका श्रीमान, हमारा राजनीतिक दल शिवहर है और हमारा गांव जो है ना शिवहर के बगल में है, और हमारा जो पैसा आता है रेलवे से आता है, किराए पर चलते हैं, भीख मांग के गुजारा करते चंदा लेकर, ऐसे हाथ जोड़ के उनको बोले हैं, लेकिन बेचारे आधा घंटा तक पानी का एक बोतल दिए बिस्लेरी का पिलाए और सवाल पे सवाल ठोकते रहे, जैसे कि एक होता ना कि कोई आतंकवादी को बैठा लिया गया ताकि कैसा हो ये माहौल को खराब कर जाए। सुबह निकलने से पहले 10 बजे तक भी फोन आया है कि क्या विषय है, क्यों कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे,
क्यों डर रहे हैं भाई? देश के नागरिक हैं, भारत की मिट्टी पैदा हुए हैं, भारत के मरना जानते हैं, भारत के लड़ना जानते हैं, भारत के लिए करना जानते हैं। आपको डर किस बात का है? सर, सरकार और पुलिस दोनों आपके दबाना चाहती है आपके आंदोलन को। सर, मेरे साथ तो हुआ है, रात के 11 बजे तक मेरे साथ हुआ है। अब दबाना चाहती है या उखाड़ना चाहती है ये तो सरकार जाने, ये तो सरकार जाने या उसके प्रशासन जाने। को दबाना चाहती है उखाड़ना, क्योंकि जितना हमको छुओगे उतना हम उखड़ेंगे, जितना हमको परेशान करोगे उतना हम और बबंदर बन के निकलेंगे। हमको आप हिला नहीं सकते हो, झुका नहीं सकते हो और रोक नहीं सकते। 3 बार आंदोलन करके जेल गए हैं, 2 बार और जाएंगे, 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, कितना रखोगे? कितना तुम्हारी ताकत कितनी है जेल में रखने की? तुम अपन ताकत आजमा लो, हम अपनी ताकत देख लेंगे, जेल भी देखेंगे, तुमको भी देखेंगे। आगे की क्या योजना है सर? आगे की योजना हमारी ये है सर कि यहाँ से अब सीधा बिहार जाएंगे, अपना पस्त पद दे के, और वहाँ जाके एक रेल हमारा बन रहा है, सुंदर रेल बना रहे, एक डम्मी रेल जिसे मोदी जी को बैठा घुमाने का प्लान किए हैं, क्योंकि उनकी औकात तो नहीं है, लेकिन हम अपना औकात से एक रेल का डब्बा बना रहे हैं जो शिवहर के गाँव तो घूमेंगे। 100-200 किलोमीटर का एरिया है शिवहर का, उसे पैदल पैदल घर घर जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, 3 लाख से 5 लाख तक का हस्ताक्षर लेंगे, 8 लाख की आबादी है, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उस रेल को खींचते हुए दिल्ली तक लाएंगे, मोदी जी के घर के आगे खड़ा करेंगे। अब मोदी जी कहेंगे, मोदी जी आइए ना, बैठिए ना, कि देखिए कितना प्यारा रेल बनाए हैं, बुलेट टॉप से नहीं बना है, हम देखिए बना के लाए हैं, इसमें आपको दिल्ली घुमाएंगे और बिहार घुमाएंगे। आज जनता होगा तो आपको कहीं काली फूटे तो अलग बात है, हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम सुरक्षा देंगे कि आपको कोई हौसला ना हो। और दूसरी बात ये भी कहेंगे हम मोदी जी को, कहेंगे नहीं, चेतावनी देते हैं कि 2023 में रेल का काम शुरू ना हुआ ना तो भैया आप गुजरात न भागे तो हमारा नाम बदल जाए, कुमार रूपेश नाम है हमारा, 2023 में गुजरात वापस शिफ्ट करेंगे, उससे पहले आत्मदाह भी करने को हम तैयार हैं। मोदी जी के घर के आगे आज खड़ा होकर आत्मदाह करेंगे अगर 2023 में हमारा काम शुरू न हुआ रेलवे का, ये खुलेआम चुनौती देते हैं। वो जितना उनको बनना है, मुर्गा मुर्गा कुकुर को करवाना है, मस्जिद में जितना अजान करवाना है करवा ले, 2023 से पहले में जितना करना कर ले, 2023 में उनको नहीं चलने वाला, 24 में उनका कहानी खत्म है।